नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उर्मिलाज कॉर्नर में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हमारे बिहार झारखंड की प्रसिद्ध रेसिपी लिट्टी चोखा। इसे हम कई तरह से बनाते हैं, छानकर, उबालकर, तवे पर सेक कर, उपले पर। तो आज हम बनाएंगे गैस ओवन में, जो कि बिल्कुल उपले जैसा स्वादिष्ट में आएगा। जैसा कि हम लोग गाँव में उपले पर गोइठे पर सेक कर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आज जिस हम ओवन में बनाएंगे बिल्कुल वही स्वाद आएगा। तो ओवन को आप किसी भी, आप अपने लोकल मार्केट से, किसी भी बर्तन दुकान से आप खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लिट्टी चोखा बनाना शुरू करते हैं। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आटा को गूंथ कर रख लेंगे। आटे में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे, ना ही नमक या फिर मोयन के लिए घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। फिर भी हमारा लिट्टी जो है बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम बनेगा। आटा हम यहाँ पर 500 से 600 ग्राम के लगभग ले रहे हैं और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे सान लेंगे। एक बार पानी डालेंगे तो हमारा आटा गीला हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सानेंगे। आटा को ज़्यादा सख्त भी नहीं सानेंगे और ज़्यादा मुलायम भी नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो हम लोग रोटी बनाते हैं उससे हल्का कड़ा रहेगा आटा। और इसे जब हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो ये खुद ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये आटा हमारा ना ही ज़्यादा कड़ा है और ना ही सॉफ्ट है। चलिए अब इसे हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। लिट्टी में भरने के लिए हम यहाँ पर चना का सत्तू लेंगे। चना का सत्तू हम 150 से पौने 200 ग्राम ले रहे हैं। अब इसमें हम जो मसाले डालेंगे उसे देख लेते हैं। सरसों तेल, नमक, अचार के मसाले, मंगरेल, जवाइन, प्याज, कटी धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च को हम क्रश कर लेंगे। तो चलिए अब हम सत्तू के मसाले को तैयार करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच मंगरेल। इन दोनों को हम अपने दोनों हाथों के तरहत्ती पर रखकर इस तरह से मसल कर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च। 1 चम्मच अदरक, 2 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच लहसुन। बाकी के अदरक लहसुन मिर्चा को हम चोखा में डालेंगे। और यहाँ पर हम ये कुचा अचार डाल रहे हैं। आप चाहे तो अचार के मसाले भी डाल सकते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अचार के साथ हम नींबू भी डालेंगे, वो हम लास्ट में डालेंगे। और धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। यहां पर हम सरसों तेल डालेंगे, बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, पका नहीं होना चाहिए ये, 4 से 5 चम्मच। और डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। लिट्टी को अगर हमें सफ़र पर ले जाना हो या फिर गर्मी का दिन हो तो हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा सत्तू ख़राब हो सकता है। अगर ठंड का दिन हो या फिर बरसात का दिन हो तो हम इसमें प्याज डाल सकते हैं, या फिर हमें तुरंत बनाकर खाना है तभी भी हम इसमें प्याज डाल सकते हैं। तो ये हमारा सत्तू देखिए बहुत ही भुरभुरा है, तो हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे थोड़ा हल्का सा सख्त करेंगे। इतना हमें इसमें पानी डालना है कि ये हल्का सा हमारा ये लड्डू बन सके। अच्छी तरह से इसे दोनों हाथों से मसल मसल कर मिलाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाए सत्तू में। ये देखिए हमारा सत्तू कितने अच्छे से इसका लड्डू बन जा रहा है। तो अब हम इसे लास्ट में 1/2 नींबू डाल देंगे
हम यहाँ पर आधा ही नींबू डाल रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा इसमें अचार के मसाले मिलाए हैं। अगर आप अचार के मसाले नहीं डालते हैं तो आप यहाँ पर एक नींबू डाल सकते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये हमारा सत्तू बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम लोग चोखा बनाते हैं। चोखा बनाने के लिए हम यहाँ पर बड़े साइज का ये बैंगन ले रहे हैं और दो मीडियम साइज के टमाटर ले रहे हैं। बैंगन को हम काट करके देख लेंगे कि इसमें बीज है या नहीं, या फिर इसके अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। तो इसे पकाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में सरसों का तेल लगा देंगे तो इससे क्या होता है, छीलने के समय इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। इसी तरह से टमाटर में भी लगा लेंगे। और गैस पर कोई सा भी एक जाली रख करके हम इस पर बैंगन और टमाटर को रख कर पका लेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि बैंगन जब एक तरफ पूरी तरह से पक जाए तभी हम इसे पलटी करेंगे, नहीं तो इसे बार बार पलटी करेंगे तो ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं। और टमाटर को भी अल्टी पलटी करके पका लेंगे। तो ये देखिए बैंगन हमारा अच्छी तरह से पक गया है और टमाटर को थोड़ा और पका लेते हैं। टमाटर भी हमारा पक गया है, चलिए अभी इसे निकाल लेते हैं। अब बैंगन टमाटर को छील लेते हैं। ये देखिए तेल लगाने की वजह से हमारा छिलका कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है। और एक कटोरी में हम पानी रखे रहेंगे, उसमें हम हाथ को हल्का सा धोते जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे बैंगन टमाटर को छील लेंगे। यहाँ पर हम बैंगन आलू टमाटर का चोखा बना रहे हैं। तो चार मीडियम साइज के आलू हम उबाल लिए हैं और ये देखिए बैंगन भी कितनी अच्छी तरह से पका है। सभी को हम मैश करके मिला लेंगे। इन तीनों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और दो चम्मच सरसों तेल। और डाल देंगे इसमें ये जो हमारे बचे हुए अदरक लहसुन मिर्चा था, मिर्चा हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और डाल देंगे यहाँ पर दो चम्मच नींबू का रस। आप चाहे तो यहाँ पर नींबू का रस एक चम्मच या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे और लास्ट में डाल देंगे हम इसमें धनिया पत्ता। तो ये हमारा चोखा बनके रेडी हो गया है। यहाँ पर हमारा सत्तू भी बन गया है और चोखा भी बन गया है। तो चलिए अब हम लोग आटे में सत्तू को भरते हैं और लिट्टी तैयार करते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पर जो हम लोग लोई बनाएंगे उसे ना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे और ना ही छोटा बनाएंगे, मीडियम साइज का लोई लेंगे। तो लिट्टी भी हमारा मीडियम साइज का बनेगा। इस तरह से हम इसे पहले गोल बनाएंगे और कटोरी हम दो तीन तरह से बनाते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। इस तरह से भी हम फैला करके भी बना सकते हैं या फिर इधर उल्टी तरफ से भी हम बना सकते हैं। और यहाँ पर अपने आपको जितना पसंद हो आप उसके अनुसार इसमें सत्तू भरिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो हम ज़्यादा भरेंगे या फिर कम पसंद है तो कम भरेंगे। और चारों तरफ से इस तरह आटा को एक जगह समेट करके और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे निकाल देंगे, नहीं तो ये अंदर जा करके जमा हो जाता है और अच्छी तरह से पकता नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं।
ये देखिए हम यहाँ पर इस तरह उल्टी तरफ से हम कटोरी को बनाते हैं और ये देखिए कितना अच्छा कटोरी बना। और इसमें सत्तू को भर लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। चलिए एक और देखते हैं, अगर आटा हाथ में चिपकता है तो हम इसमें इस सूखी आटा को लगा करके, और ये देखिए पीछे की तरफ से धीरे धीरे हाथ लगा करके उंगली, और हम इस तरह से कटोरी को बनाएंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट कटोरी बना है, और इसमें सत्तू को भर देंगे और अंगूठे को धीरे धीरे दबाते जाएंगे और चारों तरफ से आटा को बीच में करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारी लिट्टी को बना ले रही हैं। ये देखिए ये लिट्टी हमारा न ज़्यादा बड़ा है और न ही छोटा है, मीडियम साइज का बना है। तो चलिए अब हम लोग गैस की तरफ चलते हैं। पहले हम लोग गैस ओवन को देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह का ये गैस ओवन होता है। सबसे पहले हम लोग ढक्कन को हटाते हैं। इसके नीचे इस तरह का जाली रहता है और उसके नीचे में इस तरह का कटोरा जैसा होता है जिसमें कि बहुत सारा होल बना रहता है जिससे आग जो है नीचे का फैल करके ऊपर तक आता है। एक्चुअली इसे राजस्थान के लोग इसे बाटी बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें तंदूरी रोटी, तंदूरी चिकन, केक, कुकीज भी बना लेते हैं, पनीर टिक्का वगैरह सब कुछ हम लोग इसमें बना रहे हैं। इसके लिए इस तरह का इसमें दो स्टिक भी मिलता है जिसे हम लोग इसमें रख करके पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन ये सब भी हम लोग बना लेते हैं। ये दूसरे गैस ओवन के मुकाबले बहुत ही सस्ता होता है जिसे हम आम लोग भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ओवन को हम 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। देखिए हाथ लगा कर हम देख रहे हैं ये गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और सारे लिट्टी को डाल देंगे। और इसे ढक्कन से ढक देंगे और एक दो मिनट के बाद इसे ढक्कन हटाकर उल्टी पलटी करते रहेंगे। इसे पकने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाता है। ये देखिए ये लिट्टी हमारा फट रहा है, इसका मतलब ये हो आया है, लेकिन इसे हम फिर भी जो थोड़ा बहुत कच्चा है उसे हम उल्टी पलटी करके हम पका लेंगे। ये देखिए ये लिट्टी हमारा अब हो आया है, सब अच्छी तरह से लिट्टी पक गया है, ना ही हाथ जलने का टेंशन और ना ही धुएं लगने का। फिर भी हमारा ये देखिए ये लिट्टी बिल्कुल उपले वाला ये स्वाद देगा, तो है ना ये ओवन हमारा काम का। लिट्टी को हम कई तरह से खाते हैं, कोई लिट्टी में घी में लिट्टी को डुबा कर खाते हैं, कोई हल्का सा ऊपर लगा कर खाते हैं, कोई इसे नरम करके खाते हैं। तो नरम करने के लिए हम यहाँ पर ये ओवन के जाली को हटा लेंगे और एक बर्तन रख देंगे और जितनी लिट्टियाँ हमें मुलायम करनी है उतना हम इसमें डाल देंगे और इसमें एक चम्मच घी डाल करके इसे अच्छी तरह मिला देंगे। और ढक्कन से कवर करके रख देंगे। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरे हम जैसे कि ये बिना घी लगा हुआ लिट्टी है इसमें हम इस तरह से इसे फाड़ करके और इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। कोई कोई इस तरह से भी खाना पसंद करते हैं, जितना एक चम्मच या दो चम्मच जिसे जितना डालना है उसे डालकर खाएं, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। या फिर किसी को पसंद है वो घी में ही लिट्टी को डुबा दें, ऐसे भी खा सकते हैं हम लोग। किसी भी तरह से आप खाएं, लिट्टी बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही टेस्टी लिट्टी लगती है और इसे साल भर हम खा सकते हैं कभी भी। तो आप सभी हमें कमेंट कर बताएं कि आज की हमारी ये लिट्टी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।